सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो आप सोच रहे हो कि कहाँ पर हूँ भाई। अभी जस्ट जिम आया हूँ और बहुत जल्दी आया हूँ आज, क्योंकि मैंने सोचा यार पहले अपना इंट्रो शूट करेंगे अच्छे से। लास्ट एक वीक से मैं वर्कआउट फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, और वर्कआउट बहुत तगड़ा बहुत तगड़ा, मतलब ऐसा कि मेरे दो तीन दिन तक बैक में इतना दर्द हो रहा है ना, बट उसमें स्ट्रेचिंग भी ऐड की है लास्ट में ताकि बॉडी खुल सके। पूरा अच्छे से वर्कआउट करना है, पहला दिन है, बहुत तगड़ा वर्कआउट होने वाला है, पूरा इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करेंगे। और कैसे भी करके यार ऐसा है कि 12 मई को स्पेशल डे है मेरे लिए, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ 12 मई से पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करूँ इस बार। चाहे कितनी भी कैसी भी डाइट लेनी पड़े, चाहे कितना तगड़ा वर्कआउट करना पड़े, चाहे मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े, इस बार यार अपना बेस्ट रिजल्ट देखना है ना, तो बेस्ट रिजल्ट करना पड़ेगा। बेस्ट चीज़ चाहिए मेरे को, कुछ भी हो जाए। पता नहीं क्यों ज़िद है इस बार कि 12 मई से पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। सो लेट्स गो, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, ठीक है, आज आपको पूरा वर्कआउट दिखाऊँगा। तो कहना यार गर्मी आ गई, तो मैं सोच रहा हूँ कि सैंडो लेने चलेंगे, क्योंकि टी शर्ट में क्या होता है ना बहुत गर्मी लगती है। सो और मेरी कुछ जिम ऐसे दिखती है, ठीक है, ये पूरा अपना जो है ये वेट ट्रेनिंग एरिया है इधर भी, और ये डंबल एरिया है। सो मैक्स यहाँ पे जो है ना, एक चीज़ बताता हूँ भाई, यहाँ पे ये रहा, ये 30 kg का डंबल है, यहाँ पे मैक्स 30 kg का डंबल है। और मैंने मतलब ऐसा सीन है कि आज तक मैंने कभी 30 kg ट्राई नहीं करा। सो इस बार जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं पूरा एनर्जी पूरा बूस्ट के साथ करेंगे। लेट्स गो, करते हैं स्टार्ट वार्म अप। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you deal. लास्ट सेट है, ठीक है, डेडलिफ्ट का। तीन सेट मैंने 12 रैप के करे, एक लास्ट में हैवी करने वाला हूँ, ठीक है, और इसके बाद लैट पुश डाउन है, और उसके बाद है डंबल रोइंग। हाईएस्ट मैंने डंबल रोइंग में 25 से मारा था लास्ट टाइम, और 12 रैप मारे थे। इस बार 30 से 10 रैप का ट्राई करेंगे, अच्छे फॉर्म से करेंगे, ठीक है, लेट्स गो। आ चुका हूँ, ठीक है, और वर्कआउट बहुत तगड़ा हुआ है भाई, बहुत तगड़ा। मेरे वर्कआउट में देखो बेसिक सा चेंज जो हुआ है वो ये हुआ है कि पहले जो मैं मारता था ना, वो मैं मारता था 8-10 रैप का, ठीक है, और बहुत हैवी मारता था। बट अभी क्योंकि कटिंग स्टार्ट हुई है, तो इसमें जो है ना रैप्स की जो रेंज है, जैसे पहले मैं मारता था 8-10 या 10-12 मैक्स यही रहता था, बट इसमें 10-12 या 10-15 या 12-18 ऐसे रैप्स है। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें 12-18 रैप्स मारने, बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें 12-15 रैप मारने। तो शायद मेरे हिसाब से अभी, क्योंकि मैंने कन्फर्म नहीं हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट ऐसा चूज़ करना है जिसमें 18 रैप्स लग जाए, ठीक है, तो लाइट वेट ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जिस हिसाब से मेरी डाइट है ना भाई, बहुत बहुत हार्ड होने वाला है। बट मज़ा आया, ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत मज़ा आया। अभी जस्ट आया हूँ घर पे, ठीक है, और नहाया हूँ। नहाने के आने के बाद अपन दो बेसिक मील जो लेनी ही लेनी है मेरे को जिम से जस्ट आने के बाद, वो है भाई ये एक स्कूप ना, एक स्कूप वे प्रोटीन, ठीक है, और एक पीनट बटर और दो चम्मच, सॉरी एक ब्राउन ब्रेड और दो चम्मच पीनट बटर। चाहो तो यार कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये मैं फूड मशीन ऊपर ही ले आया था ताकि फटाफट से मेज़र करके, मेरे को बहुत भूख लग रही है। सो इसको खाते हैं और फिर सोऊंगा, ठीक है, रेस्ट करेंगे, और उसके बाद आपको शाम की प्लानिंग का बताते हैं। हमको कुछ ऐसा प्लान है कि मैंने आपको बताया था घर में आ गई तो सैंडो लेके आएंगे, तो शाम को मैं अभी सोऊंगा थोड़ी देर, उसके बाद उठ के मेरी एक मील लूँगा जो है सोया चंक्स और दही, ठीक है, उसके बाद अपन चलेंगे और सैंडो लेने, ठीक है। इसका मुंह का भाई सही बता रहा हूँ, उसको खा के देखना पीनट बटर को, जो मैंने बताया था पहले भी, मुंह में से पानी आएगा ना,
क्योंकि ये चॉकलेट फ्लेवर है, ठीक है, और ये शायद वो है, मैं भूल गया, क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप है, ठीक है। तो अभी सोते हैं, तो फटाफट से अभी निकलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं गाड़ी में पेट्रोल चेक करूँगा, उसके बाद अपन निकलेंगे। और बहुत अजीब लगता है, मतलब पहले ऐसा कैमरे पकड़ो, कैमरे से बोलो, फिर ऐसे फ़ोन पकड़ो, फ़ोन से बोलो। तो लेट्स गो, चलते हैं अभी। तो अभी जस्ट जिम वेस्ट लिया, ठीक है, और दो ऐसे वेस्ट लिए मैंने जिम में। और अंकल से अब आपको बात करता हूँ। अंकल एक मिनट रुको, इसको ले लो। हाँ, अरे दुकान का नाम बता दो। लुक्मी। ये कहाँ पे, कहाँ पे रही है दुकान? मुक्ति धाम के सामने, ठीक है। तो अंकल के पास आना, ठीक है, और मेरा नाम ले लेना। अंकल आराम से सस्ते में कर देंगे तुम्हारा, क्यों कर दोगे ना, लगा दोगे डिस्काउंट, ठीक है। ठीक, तो अभी चलते हैं फटाफट से घर पे, अंकल को पेमेंट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, भाई ये है मेरा चैनल, ठीक है ना, ठीक है भाई, देख लेना बढ़िया, ठीक है, तेरे से कल भी आ जाएगी। तो भाई अंकल ने पूरे 100 रुपये ऑफ कर दिए। मैंने बोला अंकल मेरा यूट्यूब चैनल है और आपकी वीडियो आ जाएगी उसमें, तो बोलते चल ठीक है यार तू ले जा। और फिर बोले कि मेरी दुकान का बता दे, तो सिर्फ दुकान का डाल दिया। और अभी चलते घर पर, ठीक है, घर के बाद घर पर चलते फटाफट से, और फिर बहुत सारी बातें करनी है आपसे। सो लेट्स गो, निकलते हैं। सो गाइज, अब जिस बारे में मैं बात करने चाहता था, जो टाइटल है, जो थंबनेल है, जो मैंने डाला है, ठीक है, आपने अगर अभी तक गैस कर लिया हो कि भाई मेरा ट्रेनर कौन है, ठीक है, तो वो है द यश आनंद, इनका यूज़र नेम है, तो यश भैया है, ठीक है। इनसे हम ट्रेनिंग लेंगे, इनसे हम नॉलेज लेंगे, और ये जो 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, मुझे पता है बहुत क्रेजी होने वाली है, ठीक है। इन्होंने जब मुझे वर्कआउट भेजा, मैंने उस वर्कआउट को ढंग से समझा, जो जो डाउट थे ना मैंने हैंड टू हैंड पूछ लिए, ताकि जब अपन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तब से, तो फिर मैंने ये चीज़ मैंने पहले ही करी, जो इंपॉर्टेंट है एक तरह से मान लो। पहली चीज़ है कि मैं सारे वेट लिखूँगा, जैसे मेरी बेंच प्रेस हुई, स्क्वाट्स हुए, या फिर आप बोल सकते हो डेडलिफ्ट, ये तीनों के मैं हर वीक लिखूँगा, ठीक है। हर वीक मुझे भैया को फ़ोटो भेज दिए। ये जो जर्नी है ये स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें डाइट जो आई है ना भाई, मैं बता नहीं सकता, बट वो जो डाइट है ना भाई, मैंने आज तक लाइफ में कभी ऐसी डाइट नहीं ली। कार्डियो स्टार्ट हो चुका है, कार्डियो अभी स्टार्टिंग में 20 मिनट का कार्डियो ऐड किया है वर्कआउट के बाद में, ठीक है। तो मुझे थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आई है, ठीक है। आज पहला दिन था, बेस्ट करा है, मज़ा आया, ठीक है भाई। मैं इस चैनल पे आपको सच बता रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई जब एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, जिसका बजट भी बहुत कम हो, बहुत कम हो, ठीक है, घर की डाइट से ही उसको सारा प्रोटीन पूरा करना पड़ता है, थोड़ा बहुत उसको कहीं ना कहीं से कैसे करना कैसे करके निकाल के वो अपना सप्लीमेंट खरीद रहा है, तो कैसे वो बॉडी बनाएगा भाई। मैं हूँ वो इंसान जो कि इतना, मैं, मेरी ना जॉब है ना कुछ है, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, आपको पता है। तो देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहती है, अपना बेस्ट देना है। अगली बार ये ब्लॉग बहुत तगड़े होने वाला है, ठीक है, ब्लॉग्स अब मैं रेगुलर डालूंगा, मेरे को बस आपका टाइमिंग चाहिए, ठीक है। मुझे अभी एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा कि मैं किस टाइम पे वीडियो डालूं, तो इस वीडियो के नीचे आप टाइम डाल सकते हो कि भाई मैं किस टाइम तक वीडियो डाल दूं, देख रहे हो, तो प्लीज़ जाके मुझे बताना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर होने वाले, करवा दो यार, बस सपोर्ट चाहिए। और धीरे धीरे कंटेंट सीख रहा हूँ, कंटेंट बनाना सीख रहा हूँ, लोगों से बात करना सीख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, ठीक है, लेट्स गो बड़ी।